हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं डिस्कस करूंगा इंपल्स टरबाइन के बारे में। इंपल्स टरबाइन क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और ये कैसे वर्क करता है। इंपल्स टरबाइन का जो एग्जांपल है, फेल्टन टरबाइन, गिरार टरबाइन, बंकी टरबाइन, ये इसके एग्जाम्पल है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि टरबाइन का काम क्या होता है। तो सिंपल वे में हम लोग समझे तो टरबाइन का काम है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम या काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। दैट मींस हमारा जो काम है, काइनेटिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। ये काम है हमारा, किसका, टरबाइन का काम है। अब हमारा जो टॉपिक है यह है इंपल्स टरबाइन। इंपल्स का मतलब यह होता है कि किसी के ऊपर हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करना है और बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर, दैट इज कॉल्ड इंपल्स। ये जो बेस्ड है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड है इंपल्स टरबाइन। जैसे यहां पे देखिए इंपल्स का डेफिनेशन क्या लिखा हुआ, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर इंस्टेंटेनियस पीरियड ऑफ टाइम। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज चेंज इन मोमेंटम। अब हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं कि फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, कम टाइम पीरियड के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंपल्स। अब हम लोग देखिए कि ये अरेंजमेंट, इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, कैसे काम करता है। सबसे पहले मैं बात करूं कि इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो कंपोनेंट्स की जब मैं बात करूं तो इसके जो रनर हो गया, गियर बॉक्स है, जनरेटर हो गया, केसिंग है, ठीक है, पेन स्टॉक है, ये सब इसके क्या है, कंपोनेंट्स है। अब हम लोग समझते हैं कि इसका वर्किंग कैसे, काम कैसे करेगा। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या है यहां पे, इसको हम लोग बोलते हैं रनर बोलते हैं, ये जो हम लोग दिख रहा है, या इसी को हम लोग बोलते हैं रोटर बोलते हैं। और इसी रोटर के ऊपर क्या है कि हमारा बकेट्स ये अटैच्ड है, ये रोटर के ऊपर कनेक्टेड है हमारा, क्या है, बकेट्स है, ठीक है। यहां पे इसके जो हमारा जो रोटर है, इसी के ऊपर ये हमारा जो शाफ्ट है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ये कि हमारा क्या है, शाफ्ट है, शाफ्ट इसके ऊपर माउंटेड है। अब हमारा क्या होता है कि यहां पे जो लगा हुआ होता है इसको हम लोग बोलते हैं नोजल। नोजल, नोजल का काम क्या होता है कि जो वेलोसिटी होगा, ठीक है, वाटर का, उसके वेलोसिटी को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए, ये यहां पे एक स्पेयर लगा हुआ होता है। स्पेयर क्या करता है, किसके वेलोसिटी को कंट्रोल करता है, इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, तो यहां से हम लोग इसको कंट्रोल करते हैं, इसका नाम जो है स्पेयर लगा हुआ होता है। और हम लोग क्या करते हैं कि यहां से नोजल के थ्रू हम लोग यहां से वाटर को फ्लो करवाते हैं, ठीक है। अब नोजल क्या करता है कि हमारे वेलोसिटी को इंक्रीज कर देता है। तो यहां पेन स्टॉक लगा हुआ होता है, या इसी को हम लोग पाइप बोलते हैं, यहां से हमारा वाटर फ्लो करता है, यहां से वाटर फ्लो करता है। पेन स्टॉक के थ्रू क्या होगा, वाटर फ्लो करेगा, ठीक है। यहां नोजल, नोजल क्या करेगा, इसके वेलोसिटी को इंक्रीज कर देगा, जो हमारा जो वाटर जो फ्लो कर रहा है इसके वेलोसिटी को ये इंक्रीज करने का काम करेगा, ये है हमारा नोजल। और ये जो वाटर है वो किसके, ये बकेट्स के ऊपर स्ट्राइक करेगा, ठीक है, इसके बकेट्स के ऊपर स्ट्राइक करेगा, ठीक। जो जो हमारा जो रोटर है, जो रडर है, इसके ऊपर ये माउंटेड है। अब ये क्या हुआ कि रडर घूमना स्टार्ट करेगा, जैसे ही इसके ऊपर हाई वेलोसिटी के साथ जब स्ट्राइक करेगा तो ये क्या होगा, रडर मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। जैसे ही ये मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, जब इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा, जो हमारा जो वाटर जब इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा तो ये रडर मूव करना स्टार्ट करेगा। अब ये क्या करेगा, जैसे ही इसके अंदर मूव करेगा तो जो काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो किसमें कन्वर्ट करेगा, ये जो हमारा जो जो अरेंजमेंट है इसको हम लोग बोलते हैं, यही तो हमारा टरबाइन है। और इसका पूरा टाइट चैम्बर जो है इसको हम लोग बोलते हैं ये केसिंग बोलते हैं, ठीक है, जो हमारा जो टाइट चैम्बर है, ये इसका रनर हो गया, ये हमारा जो है बकेट्स है जो लगा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं बकेट्स। अब ये मूव करना स्टार्ट होगा तो होगा क्या कि जो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर ये कन्वर्ट कर देगा, ये टरबाइन करेगा। अब जैसे ही इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा बकेट्स के ऊपर, और हमारा जो वाटर है वो नीचे इसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा, जहां पे इकट्ठा हो उसको हम लोग बोलते हैं टेलर्स बोलते हैं। अब ये क्या होता है कि जो हमारा जो शाफ्ट है इसके ऊपर माउंटेड है ना, तो ये भी हमारा शाफ्ट भी घूमना स्टार्ट करेगा। जब ये हमारा जो रडर घूमेगा तो शाफ्ट भी घूमेगा, तो ये हमारा किसमें कन्वर्ट कर दिया, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गया। जो हमारा काइनेटिक एनर्जी था वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है फ्रेंड्स? अब हमारा हो क्या रहा, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गया। अब इसके साथ जो शाफ्ट है, शाफ्ट के साथ अटैच होता है यहां पे गियर बॉक्स, ठीक है, ये गियर बॉक्स है, और ये जो कनेक्टेड किया हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग शाफ्ट।
कनेक्टिंग शाफ्ट के साथ अटैच हमारा क्या, ये गियर बॉक्स अटैच्ड है। ठीक है, अब हम लोग क्या यहां पे देख रहे हैं, ये जो हमारा जो गियर बॉक्स है, जनरली हमारा जो गियर बॉक्स है जो स्पीड रेशियो है उसको इंक्रीज करने के लिए, जो हमारा जो ये जो शाफ्ट जो मूव करेगा इसके स्पीड को इंक्रीज करने के लिए या डिक्रीज जो भी हमारा रिक्वायरमेंट होगा तो स्पीड रेशियो को इंक्रीज करने के लिए काम आता है हमारा ये गियर बॉक्स जो लगा हुआ है। अब क्या करता है कि ये गियर बॉक्स से अटैच होता है हमारा क्या, जनरेटर। अब ये क्या करेगा, जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी था उस मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर क्या करेगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और आगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद आगे हमें जो पावर हाउसेस के अंदर जहां पे भी हमें सप्लाई करना होगा इलेक्ट्रिसिटी, वहां हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। तो अब हम लोग बात जो कर रहे हैं काम कैसे किया, तो इसके ऊपर हमारा क्या हुआ कि नोजल के ऊपर स्ट्राइक किया वाटर, ये क्या कर दिया, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज किया, यहां से पेन स्टॉप के थ्रू वाटर फ्लो किया, स्पेयर क्या कर रहा था, स्पेयर क्या कर रहा है, इसको स्पीड को कम करना या ज्यादा करना उसको हमारा कंट्रोल करेगा। बकेट्स के ऊपर स्ट्राइक किया, बकेट्स घूमना, जब स्ट्राइक करेगा तो हमारा ये रोटर घूमना स्टार्ट करेगा, जब ये रोटर घूमेगा तो इसके साथ शाफ्ट अटैच है तो शाफ्ट भी घूमना स्टार्ट करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। जहां पे वाटर स्टोर हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं टेनलेस, और इसको पूरे चैम्बर को हम लोग बोलते हैं जो टाइट केसिंग जो किया उसको हम लोग बोलते हैं केसिंग क्या बोलते हैं। इसके साथ कनेक्टिंग शाफ्ट के साथ अटैच हमारा गियर बॉक्स जो स्पीड रेशियो को इंक्रीज करने का काम करेगा। उसके साथ हमारा अटैच है जनरेटर जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो अल्टीमेटली ये इस तरीके से वर्क करता है इंपल्स टर्बाइन। इसके जो एग्जांपल है कौन कौन से है, पेल्टन टर्बाइन है, गिरा टर्बाइन है, बल्की टर्बाइन है, तो इस तरीके से ये वर्क करता है इंपल्स टर्बाइन। आई होप फ्रेंड्स ये समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। थैंक यू।